नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे VS Education Hub में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होंगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हमेशा की तरह अपन बात करेंगे करंट अफेयर रिलेटेड इम्पॉर्टेंट न्यूज। ओके, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग एग्जाम्स, SSC, रेलवे, NTPC, सभी एग्जाम्स में जो भी न्यूज़ रहेगी, जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, आपके बहुत काम आने वाले हैं। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। पर्टिकुलर बैंकिंग गवर्नेंस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, किसी भी व्यक्ति को करंट अफेयर, इंटरनेशनल्स अफेयर, नेशनल्स अफेयर, कोई डेज बेस पर कोई किसी व्यक्ति ने बुक को ऑथर किया हो, राइट, सभी की जानकारी आपको इस एक ही वीडियो में मिलेगी। बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वही न्यूज मैं यहाँ पर आपको शेयर करता हूँ। ओके, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल्स, एंड अच्छा लगे आपको तो लाइक करिएगा, इम्पॉर्टेंट लगे तो अदर स्टूडेंट के साथ शेयर भी करिएगा, कोई डाउट हो तो सजेशंस के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। देखिए, कल एक मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने सितंबर मंथ यानी कि जो लास्ट मंथ है उसके कंप्लीट डेज यानी कि सितंबर मंथ में कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेज थे, कौन कौन सी इम्पोर्टेंट थीम थी, सभी के बारे में मैंने बताया है। वर्ल्ड, जैसे कि एग्जांपल्स के लिए, वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स डे, राइट, नेशनल्स हिंदी डे, वर्ल्ड टूरिज्म डे, सभी की जानकारी आप इस वीडियो को देख के ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट PDF है, अगर आपको चाहिए PDF कि सर हमको PDF दे दीजिए, वहाँ पे मैं अवेलेबल करवाता हूँ। ओके, और बहुत इम्पोर्टेंट है ये, बेसिकली मेरे मंथली बेसिस पर वीडियोज हैं। जैसे अगस्त कंप्लीट हुआ तो अगस्त का, जैसे सितंबर हुआ तो सितंबर का, जुलाई का, आपकी जून का, मई का, सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में दे रखे हैं। ओके, तो प्लीज़ एक बार आप जरूर देख लीजिएगा इन सभी वीडियोज को, और जो भी डेज का देखना हो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। कंटेंट बहुत अच्छा है, इतनी मेरी गारंटी है, कंटेंट आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, राइट। नेक्स्ट है कुछ, देखिए SBI क्लर्क मेंस में मोस्ट प्रॉबली अभी जो 1 तारीख को एग्जाम्स हुआ था, 1 अक्टूबर को, मोस्टली जून और जुलाई, मई जून और जुलाई, इन तीनों महीनों से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ओके, तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जिनका भी 17 अक्टूबर को एग्जाम्स है, प्लीज मेरे जो ये PDF है उनको आप जरूर डाउनलोड कर अच्छे से PDF को देख लें, राइट। चाहे वो बैंकिंग अवेयरनेस हो तो भी यही पूछेगा, आपके अपॉइंटमेंट किसी भी तरह का हो सब क्वेश्चंस यहाँ से ही पूछे जाते हैं। ओके, तो ये जनवरी से लगाकर जून तक कंप्लीट PDF मैंने बना रखा है, आगे जुलाई अगस्त सितंबर का भी बहुत जल्द अगर आपको चाहिए तो मैं बना दूंगा, कमेंट कर दीजिएगा, राइट। इसी प्रकार इम्पोर्टेंट ऑबिचुरीज यानी कि किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ है जनवरी से लेकर जून तक, यानी कि जनवरी से जून तक किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ है, सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है यह पे वीडियो, एग्जाम्स में यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो प्लीज इस चीज को आप जरूर देखिएगा, PDF डाउनलोड जरूर करिएगा। ओके, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट बुक्स, कौन कौन सी पुस्तक रिलीज हुई है एग्जाम्स में, एकदम एकदम फिक्स है कि 1 से 2 नंबर का क्वेश्चंस पूछा ही जाएगा आप सभी से, तो प्लीज इस चीज को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। बुक बेस पर क्वेश्चंस है, सारे की सारी बुक्स है, एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे। इम्पोर्टेंट डेज यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर एस्पिरेंट, राइट, जो आपके जनवरी से जून तक अभी एग्जाम्स में पूछा गया था, आपकी जो 8th ऑफ मई को बनाते हैं, राइट,
वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, राइट, जो कि आपके 8 मई को बनाते हैं, वह क्वेश्चंस पूछा गया था, राइट। आपको आगे भी पूछा जाएगा, प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, वीडियो को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ये तो थी आपके लिए इन्फॉर्मेशंस जो आपके एग्जाम्स में काम आ सकती है, एग्जाम्स के लिए फ्रूटफुल रह सकती है। नाउ लेट्स कम टू द आपकी जो न्यूज है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कौन कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन पर प्रेस करिएगा एक बार। तो सो गाइस देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल है बीसी पटनायक टेक चार्ज एज अ एलआईसी एमडी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के नए एमडी के रूप में नियुक्त हुए हैं, दैट इज द बीसी पटनायक। सबसे अच्छी कंपनी है एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, सबसे टॉप क्लास कंपनी है गवर्नमेंट सेक्टर्स में, राइट। अभी रिसेंट में इनका आईपीओ भी आने वाला है, याद रखिएगा, ओके। तो बीसी पटनायक है जो कि आपके नए एमडी के रूप में कार्यभार देखेंगे, राइट। बीसी पटनायक, इज इट क्लियर, समझ में आया आप सभी को? एग्जाम्स बैंकिंग गवर्नेंस एस पी आई क्लर्क मेंस आई बी पी एस आर आर बी क्लर्क मेंस एकदम डिटो का डिटो क्वेश्चन पूछेगा कि बी सी पटनायक किस कंपनी के एम डी एंड सी ई ओ बने हैं, या एल आई सी के नए एम डी एंड सी ई ओ किसको एम डी किसको बनाया गया है, राइट। तो आपको कोई से भी कहीं से भी घुमा कर पूछे, बट न्यूज एक ही है, ध्यान से एक एक चीज को देखना है, ओके। एम आर कुमार रिसेंट में प्रेसिडेंट है एल आई सी के, याद रखिएगा, राइट। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्लैब्स 79 लाख पेनल्टी ऑन अपना सहकारी बैंक। एक अपना सहकारी बैंक है जो कि आपके बॉम्बे में स्थित है, उनके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 79 लाख रुपीज की पेनल्टी लगाई है। कितने रुपीज की? 79 लाख रुपीज की। बैंकिंग अवेयरनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। पहले तो पूछेगा कि आप कुछ बैंक के बारे में, तो अपना सहकारी बैंक है जिसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर बॉम्बे महाराष्ट्र में है, रिसेंट में 25वें गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास देख रहे हैं, याद रखिएगा, ओके। तो उन्होंने आपकी अपना सहकारी बैंक में आज पेनल्टी लगाई है, राइट। क्लियर, समझ में आया आप सभी को? तो प्लीज एक बार लाइक बटन पे जरूर प्रेस करिएगा। नेक्स्ट है ए आई आई बी अप्रूव $356.67 मिलियन लोन फॉर चेन्नई मेट्रो फेज सेकंड डेवलपमेंट। फेज सेकंड के लिए चेन्नई का जो डेवलपमेंट है मेट्रो फेज के लिए ए आई आई बी यानी कि आपकी एशियंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन्वेस्टमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में स्थित है, राइट, उस बैंक ने पर्टिकुलर भारत को दैट इज द $356.67 मिलियन रुपीज का लोन, राइट, दिया गया है, याद रखिएगा, चेन्नई की जो मेट्रो है उसको डेवलप्ड करने के लिए, याद रखिएगा। इज इट क्लियर? ए आई बी का हेडक्वार्टर कहाँ है सभी को पता होना चाहिए, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है कर्नाटका न्यू डिस्ट्रिक्ट विजयनगर इनॉग्रेटेड। कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर है बसवई बोमराज, राइट, उन्होंने कर्नाटका के न्यू डिस्ट्रिक्ट दैट इज द बलारी जो एक डिस्ट्रिक्ट है उससे अलग करके एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया है, दैट इज द विजयनगर, ओके। विजयनगर है जिसको आपके नया डिस्ट्रिक्ट, ये आपका 31st डिस्ट्रिक्ट बना है, 31वां डिस्ट्रिक्ट बना है, याद रखिएगा, राइट, क्लियर, समझ में आया आप सभी को? ओके,
तो कर्नाटका का देखिए क्वेश्चंस कैसे बनाएगा, कर्नाटका का नया विजयनगर है जो कि डिस्ट्रिक्ट बना है, तो ये कितनेवे नंबर डिस्ट्रिक्ट बना है, तो याद रखिएगा 31st नंबर वे डिस्ट्रिक्ट के रूप में कार्यभार देख रहे हैं। ओके, आपकी 31st डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका स्टेट में टोटल्स हो गए हैं, याद रखिएगा 31वां जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपकी विजयनगर है, याद रखिएगा, सॉरी फॉर दैट, क्लियर। नेक्स्ट है एयर मार्शल संदीप सिंह टेक चार्ज एज अ वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ रिसेंट में एयर स्टाफ के जो चीफ है उनको भी नियुक्त किया गया है। आई होप आपको पता होगा, नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा, रिसेंट में एयर ऑफ चीफ कौन बने हैं बताइएगा जरूर। ओके, वाइस चीफ के रूप में संदीप सिंह है जिनको एज अ वाइस चेयरपर्सन वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के लिए नियुक्त किया गया है। इज इट क्लियर, समझ में आया आप सभी को? नहीं समझ में आया तो तुरंत पूछिएगा, समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में और लाइक बटन पर प्रेस जरूर कर दीजिएगा। अंत में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, ये इतनी ही न्यूज इंपॉर्टेंट थी, ज्यादा इधर उधर पर नहीं बट गई, जो न्यूज इंपॉर्टेंट बन सकती है एग्जामिनर क्वेश्चन उठा सकता है वही चीजें मैं शेयर करता हूँ। ओके, हु हैज बिन अपॉइंटेड, आज का सभी के लिए क्वेश्चन है, एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव MD एंड CEO नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटर NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटर लिमिटेड के नए के रूप में नियुक्त किए गए हैं, के नए मुख्य अधिकारी हैं, याद रखिएगा सबकी। तो किसको बनाया है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आ जाना चाहिए, जरूर सर्च करिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए। ओके, ओवरऑल वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी बहुत जरूरी है, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल्स को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ओके, मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, राइट, अपने स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखें। ओके, क्लियर, मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।